काम ही है ये करना। हम लोग भी विपक्ष में थे तो यही करते थे। लेकिन आपका प्रश्न सही है, कहीं ना कहीं जो लॉ ऑर्डर है एकदम सही आप कह रहे हैं। हम मानते हैं कि ये जो भय है उस भय के लिए ना, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा वहाँ हमारे DGP भी उनका साथ देंगे, हमारे DM तो पूर्णतः साथ देंगे, हमारे SP उस जिला के साथ देंगे। और आपने सबसे बड़ा आप देखे होंगे अभी इस पूरे बिहार के DDC के अलग इस डिपार्टमेंट से जोड़ा गया, हर एक जिला में एक ही व्यक्ति हमारे होते थे उद्योग पदाधिकारी, पूरा जिला को देखते थे। अब जहाँ पर मान के चलिए उसी DDC में से DM बनेंगे, तो आप देख लें कि 3 महीना के अंदर जो है को जो डेवलपमेंट की बातें हो रही है 500 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको चला जाएगा। तो आपके मन में ये बात हमने क्या कहा कि जो डर है वो डर को समाप्त करने के लिए आपके बीच आपके माध्यम से ये परोसना चाहते हैं कि डर से काम नहीं चलेगा। कहीं भी आप रोजी रोजगार के लिए जाते हैं तो हर तरह का डर वैसे ही माँ बाप को सताता रहता है, वैसे ही बिहार में भी है कि हम इन चीज़ों को कितनी कमियां ला सकते हैं, कितना डाउनवर्ड्स टू ये कर सकते हैं मनोबल बढ़ा के उस कामों में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे कोई कानून के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो वो बचेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि 4,000 करोड़ से ज्यादा GST मेरा बिहार का बाहर जा रहा है। तो आप अपने बच्चों को पेट काट करके पढ़ाते हैं और आपको GST दूसरे स्टेट को देना पड़ता है। तो हर एक लाइन पे हमें जब बिहार को बढ़ाना है उद्योग के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, और जो उपभोक्ता का बिहार है उससे प्रोडक्टिविटी बिहार के रूप में डेवलप करने के लिए जो मदद करे उसमें साथ लेकर के चीज़ों को जानने की आवश्यकता है ताकि हमारा बिहार ग्रो करे। हमारे लोग कोरोना काल में सीख लिए हैं, पूरे देश दुनिया से आकर के हम परेशान हो चुके हैं। अब भविष्य में कोई परेशानी होगा तो लड़ने की क्षमता एज ए उद्योग मंत्री समीर महासेठी बताने का काम करेगा कि आप पीछे मत हटे। हर एक जिला में 3800 जिला में हमारा स्वावलंबन के तरफ आगे बढ़ने के तरफ कहीं ना कहीं रोजी रोजगार के माध्यम से आप खुद भी अगर कोई उद्यमी बनना चाहते हैं बने और जो नौकरी करते हैं रोजगार देने का काम करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।